नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा आपके साथ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आज मेरी आंखें नम हो गई। मेरी क्या, पूरे नोखा की आंखें नम है। अभी मैं जैसे तिरुपति हूँ नोखा में, और सभी की आंखें नम है। देख पा रहे हो, एक बार गौर से आप चेहरा दिखा सकते हो, सबकी आंखें नम है। अलीगढ़ मर्डर केस हमारे समाज के अमानवीय हो जाने की कहानी है। अलीगढ़ में एक पिता कर्ज नहीं चुका सका तो दरिंदों ने उनकी 2.5 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी, बाद में उसकी आंखें निकाल दी। अलीगढ़ में 2.5 साल की एक मासूम बच्ची के साथ जो हुआ है उसे सुनकर इंसानियत शर्मसार हो जाती है। 2.5 साल की एक बच्ची को जो बिस्किट देने की लालच में बुलाया गया, उसकी हत्या की गई। उसकी आंखें निकालकर शरीर में तेजाब डालकर बोरे में भरकर घर में रखा गया, फिर कचरे में डिब्बे में डाल दिया गया ताकि जानवर उसके शरीर को खा जाए। फिर कचरे के डिब्बे में डाल दिया गया ताकि जानवर उसके शरीर को खा जाए। जब बच्ची का शव मिला तब वो गल गया था, उसका हाथ अलग हो गया। जब आप इसका कारण सुनेंगे तो आपका दिल और भारी हो जाएगा। पुलिस ने बताया कि बच्ची के माता पिता आरोपियों को 10,000 रुपये कर्ज नहीं चुका पा रहे थे, इसके बदले उन्होंने बच्ची को मार डाला। इस घटना के बाद भारत के हर राज्य हर जिले में कैंडल मार्च के द्वारा न्याय की मांग की जा रही है। आप क्या मांग लेके आए हो? देखिए, पूरे राष्ट्र को शर्मसार करने वाला ये बहुत बड़ा हादसा है। मैं समझता हूँ देश आने वाले कई समय तक इससे उभर नहीं पाएगा। ये बड़ी शर्म की बात है और बड़ी अफसोस की बात है कि हर बार और रोज़ रोज़ ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है। प्रशासन को और सरकार को चेतना चाहिए, योगी सरकार को और मोदी सरकार को कुंभकर्णी नींद से जागना चाहिए। जैसे कि सबको आंखों के सामने घटना दिखाई दे रही है, ये गुनहगार है, फिर भी इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है आपकी नज़रों में? क्यों इसे दबाया जा रहा है? राजनीतिक पॉइंट ही हो सकता है, और तो क्या, पुलिस की लापरवाही है। क्या कहना चाहोगे, जैसे योगी सरकार ऐसी बड़ी लापरवाही कर रही है? देखिए, इसमें योगी सरकार को कदम ढंग से उठाने चाहिए। हालांकि योगी सरकार ने नहीं करवाया, लेकिन अब जो पीछे जो कदम उठाने चाहिए वो सशक्त उठने चाहिए। और दरिंदों की कोई जाति धर्म वो नहीं होता, इस राजनीतिक रंग न देते हुए सख्त कानून बना जाए। मेरे हिसाब से ये जो जुर्म है ये दफा 302 से भी कई गुना ज़्यादा बढ़कर घिनौना है। आपकी क्या डिमांड है और सबसे बड़ी आप क्या मांग करते हो, सज़ा किस प्रकार की मांग करते हो? ट्विंकल शर्मा को उस दिन हमारी सब की भावभीनी श्रद्धांजलि मिलेगी जिस दिन उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। हमारी सबकी यही मांग है और कानून की जो प्रक्रिया है वो ढीली नहीं होगी और जल्दी से जल्दी इसको सज़ा दी जाए। कम से कम एक महीने में इसको सज़ा अरेस्ट करके इसको सज़ा दी जाए। जैसे कि यहाँ की जनता कह रही कानून पर भरोसा है, लेकिन कानून थोड़ा ढीला होने की वजह से थोड़ा खोखला हो रहा है और विकलांग हो रहा है कानून। आप किस प्रकार की मांग कर रहे हो, क्या सज़ा की मांग कर रहे हो? हम सरकार से मांग करते हैं कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और जो पुलिस ऐसी लापरवाही कर रही है या कुछ ढिलाइयाँ बरत रही है वो नहीं बरते। और कानून तो भारत में कड़ा ही है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है, उसके कारण ये सब घटनाएं घट रही है। दोस्तों, हमारे हर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे क्या हमारे हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।